बिहार में अगर पीते हैं शराब तो हो जाइए सावधान। ब्रांडेड के नाम पर लगातार बेची जा रही है नकली शराब। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी सुबह में धड़ल्ले से शराब की बिक्री जारी है, तो वहीं लगातार लोग जो है शराब का सेवन कर रहे हैं। वहीं शराबबंदी के बाद से बिहार में नकली और जहरीली शराब का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। जहरीली और नकली शराब के सेवन से लोगों की जान भी जा रही है, वहीं सड़क हादसे में वृद्धि देखने को लगातार मिल रहा है। दरअसल बीते दिनों सराय के देसड़ी में जहरीली शराब के नशे में 8 लोगों को ट्रक से कुचलने वाला ड्राइवर के खुलासे के बाद वैशाली पुलिस हरकत में आ गई, जिसके बाद जो है शराब कारोबारी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने पोल बनाने की बंद पड़ी फैक्ट्री में शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। तो वहीं बता दें आपको कि लगातार बिहार में खबर निकल के आ रही है। सराय थाना और SDPO सदर की टीम ने देर रात थाना क्षेत्र के शीतल भकुराहा गांव जो है वहां पर बंद पोल फैक्ट्री में छापेमारी कर अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। तो वहीं लगातार छापेमारी कर रही है। बीते दिनों पटना के दिग्घा में छापेमारी हुई थी, जहां पर नकली शराब बनाया जा रहा था। तो वहीं देखा जाए तो पटना में भी शराब के जो कारोबारी हैं वो फल फूल रहे हैं, नकली शराब बनाया जा रहा है। तो वहीं लगातार बिक्री हो रही है और सबसे ज्यादा जहरीली शराब की बिक्री हो रही है, जिससे लोग जो है नहीं रह पा रहे हैं, नहीं बच पा रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ भारी मात्रा में प्लास्टिक का बोतल और ब्रांडेड कंपनियों के रैपर को भी बरामद किया है। तो वहीं पटना के अनेक जगहों पर ऐसी खबरें निकल के आ रही है जहां नकली शराब बनाया जा रहा है। बिजली का पोल बनाने की बंद फैक्ट्री में जिस तरीके से खबर निकल के आई, जहां पर शराब बनाने का खेल चल रहा था, पुलिस ने यहां से शराब खाली बोतलें व पंचिंग मशीन भी बरामद किया। तो बता दें आपको कि लगातार ऐसी खबर निकल के आ रही है, गुप्त सूचना लगातार पुलिस प्रशासन को मिल रही है, और जिसके बाद फैक्ट्री जो है उसका उद्भेदन हो रहा है, नकली शराब बनाने का फैक्ट्री का उद्भेदन हो रहा है। तो वहीं सूचना मिलते ही सत्यापित करने के लिए जो है पुलिस जैसे ही फैक्ट्री में पहुंची थी तो वहां कोई नहीं था। इस दौरान एक कमरे में तलाशी ली गई, जिसके बाद शराब के साथ साथ भारी मात्रा में प्लास्टिक के बोतल और रैपर भी बरामद किए गए। बिहार में शराबबंदी है, पर जो लगातार जांचें हैं वो हो रही है, तो वहीं कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग शराब पी रहे हैं, शराब माफिया शराब बेच रहे हैं, नकली शराब का कारोबार बिहार में हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी कानून जो है असफल है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 6 वर्ष पूर्व पोल फैक्ट्री शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में बंद पड़ा था, जहां से 370 बोतल विदेशी शराब मिला था। तो वहीं 1057 खाली शराब की बोतल, पंचिंग मशीन और विभिन्न ब्रांड का रैपर बरामद हुआ है। पुलिस अब यहां पता लगाने में जुट गई है कि शराब के अवैध कारोबार में कौन कौन संचालित कर रहा है। तो वहीं बता दें आपको कि बड़ी खबर सामने निकल के आ रही थी, वो आपको हमने बताया, बिहार में नकली शराब का कारोबार जारी है। बता दें आपको कि बिहार के तमाम अनेक जगहों से जो है खबर निकल के आ रही है। तो वहीं एक बार फिर से बिहार के वैशाली से खबर निकल के आई है, जहां शराबबंदी कानून असफल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।